नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी उर्फ कलमकारी अपनी पुस्तक करवटें से एक कविता पढ़ रहा हूँ। वो कविता 3 भागों में है। उसका एक भाग मैं आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता जो है वो भगवान श्री राम पर है, तो वहीं से शुरुआत हो रही है इस कविता की। आइए इसका आनंद लेते हैं। राज तिलक होने को था, अवधों को नृप मिलने को था। चहु ओर राम चहु ओर नाम, सुरभित उल्लासित सारा ग्राम। मंथरा नामक कुबड़ी दासी, अंतःपुर की जो थी वासी। सुनकर जैसे वायु होली, नतमस्तक होकर वो बोली। रानी कैकेयी अहो भाग्य, रानी कैकेयी अहो भाग्य। अब राम हमारे जनक हुए, कौशल्या दीदी के तिनके, पल भर में सारे कनक हुए। अब भरत सभा में बैठेंगे, आदेशों का पालन होगा। राम कृपा से अंतःपुर में सीता का शासन होगा। क्या भक्ति है, चल भाग अभी, कैकेयी बोली चिल्ला कर। मुझको क्या है, कितने दिन हूँ, कह चली मंथरा इठला कर। कैकेयी भ्रम में डूब गई, क्या नियति यही है, भाग यही, आदेशों में रहना होगा। क्या भरत का है सौभाग्य यही, नहीं नहीं मुझको ही अब कुछ तो करना होगा। वरदान दिए जो दशरथ ने, हाँ आज उन्हें भरना होगा। बोली दासी से जा और दशरथ को संदेशा भिजवा दे, को भवन में कैकेयी हैं, जाकर उनको बतला दे। दशरथ आए, बोले कैकेयी उठो प्रिय, क्या हुआ तुम्हें, कुछ तो बोलो, मुख तो खोलो, चिंतित अब और न करो हमें। कैकेयी काले कपड़ों में विकराल स्वरूप में बोल पड़ी, वरदान दिए थे जो मुझको, पालन के उनके यही घड़ी। भरत का राज तिलक होगा, वो अवधपति कहलाएगा। 14 वर्षों को रामलला वन में जीवन बिताएगा। सुन मत खो बैठे अवधपति, और धरा पर सर रख कर बोले। ये स्वप्न मात्र है कैकेयी, कह दे कुछ तो, मुख तो खोले। कैकेयी बोली है यही सत्य, पालन इसका करना होगा। जो नहीं किया जो कहा अभी, प्राणों से मेरे भरना होगा। दशरथ अब द्रवित हृदय बोले, ना राम बिना रह पाऊंगा। लो शब्दों को वापस अपने, वरना मैं अभी मर जाऊंगा। कैकेयी बोली है अवधपति, यही सदा रघुकुल नीति। वचन दिए हैं भरे आप, ऐसा ही कहती है नीति। अवधपति अब कुपित हुए, हे दुष्ट अधर्मी नारी हट। शब्दों में तेरे विष बसता, मन में तेरे यह है हस्ता। हे दुराचारिणी राजलोभिनी, दुष्ट अधर्मी नारी हट। राम को लेकर निम्न भाव, कैसे इतना है दुस्साहस। हे राम राम कह धरा घिरे, मेरा राम कहीं ना जाएगा। कैकेयी विधवा वस्त्र धरे, दशरथ ना वापस आएगा, दशरथ ना वापस आएगा। ये था प्रथम भाग। द्वितीय भाग जल्दी ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आप को ये कविता कैसी लगी, YouTube के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ज़रूर पहुँचाएँ अपनी बात को। Twitter के माध्यम से भी आप पहुँचा सकते हैं, Instagram पे भी पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।